नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिसार में जाट कॉलेज के सामने एक युवती की ओर से युवक पर एसिड अटैक करने की सनसनीखेज खबर है। घटना में पीड़ित युवक का शरीर कई जगह से झुलस गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये युवती कोई अज्ञात नहीं बल्कि युवक के बड़े भाई की रिश्ते में साली लगती है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को शहर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एसिड अटैक में झुलसे शुभम के बड़े भाई जींद जिले के नरवाना निवासी दीपक ने बताया कि जिस युवती ने उसके छोटे भाई पर तेजाब फेंका है वह उसकी पत्नी प्रियंका की बुआ की बेटी है। आरोपी युवती शुभम पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन शुभम पढ़ाई के लिए कनाडा जाने का प्लान बना रहा था। इस बात का पता लगने पर आरोपी युवती ने शुभम को जाट कॉलेज के सामने मिलने के लिए बुलाया। शुभम जाट कॉलेज के पास पहुंचा तो दोनों में बहस हो गई। इसी दौरान आरोपी युवती ने शुभम पर एसिड अटैक कर दिया। आनन फानन में शुभम ने हाथों से अपने चेहरे को तो ढक लिया, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों पर तेजाब पड़ने से वह बुरी तरह से झुलस गया। इसी दौरान युवती मौके से भाग गई। राहगीरों ने शुभम को सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल कराया। पुलिस घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दीपक ने बताया कि एसिड फेंकने के बाद भी आरोपी युवती के भाई ने उससे कहा कि वह अब भी अपनी बहन की शादी शुभम से करवाने के लिए तैयार है, अगर शुभम शादी करने को तैयार हो तो। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। एसिड फेंक दिया आपके ऊपर, ठीक। वहाँ से भाग गई। लड़की का क्या नाम है? मनीषा। 11:30 बजे के आसपास का, ठीक है। उस समय किस तरीके से ये घटना हुई? क्या पहले भी आपकी कोई बातचीत हुई थी उनसे? बातचीत बंद हो चुकी थी पहले आपकी? हाँ जी। तो बस थोड़ी सी वो धमकियाँ वगैरह दे रही थी बीच में। धमकियाँ दे रही थी, ठीक है। फोन कर देती है नंबर पर। हाँ जी। तो अभी उसने बोला कि चलो मिलते हैं, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। हाँ, मिल करके सारी बातें क्लियर कर। मैंने बोला भाई फोन में करने क्या जरूरत है। हाँ जी। तो फिर उसने बोला नहीं, एक बार मिलकर कर दो थोड़ा जोर से। जी। मैं बोला ठीक है चलो आ जाता हूँ। तो मैं चला गया। तो गया तो मैं वहाँ पे जाके क्या नाम, मैं खड़ा हुआ था मैं एक। तो उसने एकदम से फिर मेरा ध्यान नहीं था थोड़ा सा, मैं फोन में देखा एकदम से। अच्छा, बात करते करते एकदम आपके ऊपर गिर गया। हाँ हाँ, एकदम ऊपर जैसे ही डाला मैं पीछे हटा थोड़ा सा, तो मेरा फोन वगैरह नीचे गिर गया। तो मैं उठाने लगा जल्दी उठते मेरे को बहुत, तो वो इतने में भाग गया। इतने में भाग गया। हाँ, मैं जैसे ही पीछे गया तो शायद ऑटो वगैरह में बैठ के भी निकल गया। ऑटो में बैठ करके वहाँ से निकल गया। हाँ, वो निकल गया वहाँ से शायद। तो मेरे को दिख ही नहीं उसके बाद, मैं जैसे बाहर आया ना मेरे को जलन होती थी, मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। तो जैसे बाहर निकला तो मेरे को दिख ही नहीं। तो उधर ही मैंने पास में बुक डिपो की दुकान थी, बुक डिपो हाँ जी, वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई कि ऐसे ऐसे लड़की करके गई है, वो बोलो तो बात की। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये नलका पास में, तो वहाँ पे धो लो। उसके बाद मैंने उसको धो वगैरह करके तो मैं वो सोने पर। अच्छा, वो धो करके आप वहाँ पर उसके बाद सोनीपत में गए। तब जब आप मिलने आए थे क्या उस समय आपको दिखाई दिया था कि वह वो तेजाब की बोतल ले रखी है? शायद पता नहीं कैसे छिपा रखा था उसने। अच्छा, कोई पर्स में था या किस तरीके से? बैग ले रखा था। बैग ले रखा था, उसमें छुपा रखा था। तो बातचीत करते करते अचानक गिर दिया? बात तो कुछ हुई नहीं, दो मिनट खड़े हुए थे। खड़े हुए थे। अच्छा, बोला मैं फोन क्यों दूँ, फोन मांगा पहले आते हैं। हाँ, कर ले बाद में फोन क्यों दूँ। तो मैं जैसे मैं फोन के अंदर जा रहा हूँ उसने कल फेंक दिया शायद, बस इससे फिर वो ज़्यादा नहीं पाया। केस बच गया थोड़ा, इसके ऊपर गिर गया था उसमें। अच्छा, तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा झुलस गई है, जो त्वचा है ये पूरी की पूरी झुलस गई है और हाथ पर भी गया है। जैसे इन्होंने बताया कि ये जो है वहाँ कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया, और हालांकि पहले बातचीत थी और बातचीत बंद हो गई थी, उसके बाद ये मिलने के लिए बुलाया। और जब वहाँ पर ये पहुँचे तब बातचीत करते ही अचानक उस युवती ने तेजाब की बोतल निकाली, और शायद वो कंच की बोतल थी, और ले करके तेजाब की बोतल से हमला कर दिया। इस समय देख रहे हैं दोनों हाथों पर भी तेजाब गिरा हुआ है, दोनों हाथ झुलस चुके हैं भाई के, और चेहरे अभी जो है बिल्कुल झुलस चुका है। और युवती ने कुछ भी सोचे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, सवाल ये उठता है। जी, शायद आवाज़ कम आ रही होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही
भैया लड़की का क्या नाम है और कहाँ रहते हैं, क्या कुछ है? नाम भाई सूर्यनगर में रहती है, यहीं हिसार। हिसार में रहते हैं, हाँ ठीक। तो युवती का नाम अभी बताया गया, आरोप है कि उस युवती ने जो है हमला किया, और हमला इस कदर किया कि अचानक आकर के सीधा एसिड फेंक दिया, और ये भाई जो है इलाइट्स कर रहे थे, अलाइट्स करके और बाहर जाना चाह रहे थे, और वहां जा करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहे थे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।